हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सोनिका। आज मैं आप लोगों के साथ रक्षाबंधन मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ। इस लुक को मैंने बहुत ही सिंपल रखा है, क्योंकि राखी में बहुत कम ही लोग ऐसे होते होंगे जो बहुत ज़्यादा मेकअप करते हैं। सिंपल ही मेकअप अच्छा लगता है। और इसको मैंने थोड़ा अलग दिखाने के लिए थोड़ा आई लुक अलग किया है। इसको रिवर्स कैट आई बोलते हैं। और इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया ये देखने के लिए वीडियो को इन तक ज़रूर देखें। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी फेस को मॉइस्चराइज़ करूँगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे पॉन्ड्स का जेल मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है, नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए तो बहुत ही अच्छा, ड्राई वालों के लिए नहीं जाएगा। ये मॉइस्चराइज करने के साथ साथ आपके स्किन को ग्लो भी प्रोवाइड करता है। फिर मैंने लिप को प्रेप किया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फेस मेकअप। मैं यहाँ पे सबसे पहले प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। ये कलर बार का प्राइमर है और इसको अपने टी जोन पे अप्लाई कर रही हूँ। ये आपके ओपन पोर्स को बहुत ही अच्छे से ब्लर आउट करता है और फाउंडेशन या फिर कंसीलर अप्लाई करने के लिए आपके स्किन को फ्लॉलेस बेस देता है। और यहाँ पे मैं फाउंडेशन यूज़ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। दोनों कंसीलर मैबलिन का ही है, एक एज रिवाइन कंसीलर है और एक मैबलिन का फिट मी कंसीलर है। दोनों अलग अलग सेट का है, तो दोनों को मिक्स करके मैं अपने टी जोन एरिया पे लाइक आईली, अंडर आई, ब्रिज ऑफ द नोज़, चेन एक्सेट्रा, फिर दोनों कंसीलर को मैं उसी एरिया पे अप्लाई कर लूँगी, ताकि जब मैं ब्लेंड करूँ तो दोनों का कलर मिक्स होके मेरा जो स्किन टोन है उस कलर का आ जाए। फेस पे थोड़ा सा मेकअप स्प्रे करके उसके बाद मैं ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि जो एज रिवाइन कंसीलर है वो थोड़ा थिक फॉर्म में है, तो वो बहुत पहले ही मैंने अप्लाई कर लिया था, तो ज़्यादा देर फेस पे रह गया था तो ब्लेंड अच्छे से नहीं होता। इस कारण फिक्सर अप्लाई करने के बाद ब्लेंड करने से काफ़ी अच्छा वो ब्लेंड हो जाता है। इसलिए मैं यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर को डैप डैप मोशन में ब्लेंड करते हुए, एक बात का ध्यान जरूर रखें कि ब्यूटी ब्लेंडर को कभी भी ड्रैग ना करें, उसे डैप डैप करके ही ब्लेंड करें। ड्रैग करने से क्या होगा कि हमारे स्किन का जो सेल्स है वो भी डेड होने का चांसेस रहता है और फ्लॉलेस कंसीलर या फिर फाउंडेशन नहीं निकल के आएगा। फिर मैं लूज़ पाउडर से अपने अंडर आई को सेट कर रही हूँ इस ब्रश की हेल्प से। ये ब्रश के कारण बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है अंडर आई के पास पाउडर यूज़ करना, इसलिए मैं यहाँ पे अंडर आई को पहले इस ब्रश से सेट कर लूँगी और फिर उसके बाद पूरे फेस को एक बिग फ्लफी पाउडर ब्रश की हेल्प से सेट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने पाउडर के लिए मैबलिन का ही पाउडर यूज़ किया, लूज़ पाउडर इन दी सेड 20। बस इसी तरीके से हल्के हाथ से अपने पूरे फेस को सेट कर लूँगी। फेस कंटूर के लिए मैं यहाँ पे शुगर का कंटूर यूज़ कर रही हूँ इन दी सेट 01। और इसको मैं अपने चिकबोन पे और जॉ लाइन पे अप्लाई करूँगी। जॉ लाइन पे अप्लाई करने से आपका थोड़ा बहुत भी जो डबल चिन है वो कवर हो जाता है, और अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर आप पहले क्रीम बेस्ड में आप यूज़ करें, उसके बाद पाउडर बेस्ड में इसको सेट करें कंटूर को। मैं यहाँ पर थोड़े से नोज़ को भी कंटूर बहुत लाइट कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका फेस पूरा फ्लैट दिखेगा नहीं तो। कंट्रोलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फेस के लिए। और यहाँ पे मैं ब्लश के लिए लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, मैं उसका याद नहीं है मुझे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी नेम एंड सेट, सो आप वहाँ पर जाके चेक कर लेना। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द आई मेकअप। मैं सबसे पहले ब्राउ डिफाइन कर रही हूँ। इसके लिए मैंने शुगर का ब्राउ डिफाइनर सेट यूज़ किया इन दी सेट ब्राउन। एंड इसको मैं अच्छे से फील करने के बाद, इसके साथ ही आपको एक स्पूली ब्रश भी मिल जाता है उसके पीछे में, बस उससे मैं ब्रश कर रही हूँ ताकि सारा प्रोडक्ट इवन हो जाए। ये बहुत ही अच्छा है, वन ऑफ माई फेवरेट है। उसके बाद मैं आईज़ को आज बहुत ही लाइट रखने वाली हूँ, इसलिए मैं ब्राउन सेट का एक कलर पिक करके बस अपने क्रीज एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ, इनर वी से लेके आउटर वी तक। जब अच्छे से अप्लाई हो जाएगा, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, उसके बाद मैं यहाँ पे एक सिमर सेट लेके बस अपने इनर वी से लेके बीच तक, मिडल तक, उसको फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर दूँगी। जस्ट बस हो गया, बहुत ही सिंपल और बहुत ही सुंदर आई मेकअप होने वाला है, 2 मिनट के अंदर होने वाला मेकअप है।
एंड लास्ट में फिर से पहले वाला कलर लेके मैं सब कुछ आपस में अच्छे से इवन कर दूंगी। फिर मैं यहाँ पे क्लोजल काजल ली हूँ मैवलिन का और इसको अपने वाटर लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। वाटर लाइन पे अप्लाई करने के बाद मैं इसको अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी। दोनों आँख में वाटर लाइन पे अप्लाई करने के बाद मैं इसको लोअर लैश लाइन पे यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा थिक बेस पे मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ और इसको मैं इनर वी तक पूरा अप्लाई करूँगी। जब काजल अप्लाई हो जाएगा उसके बाद मैं एंगल ब्रश की हेल्प से उसे स्मज आउट करूँगी और अच्छे से स्मज करने के बाद मैं आउटर वी की तरफ एक विंग निकालते हुए बस उसे हल्का सा, जैसे मैं आपको दिखाऊंगी, बस हाँ इसी तरीके से एक विंग निकालना है। हल्का खींचते हुए इसे निकालना है। थोड़ा अभी आपको लंबा दिखेगा बट इसको मैं एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से उसे ब्लेंड कर दूंगी, हटा दूंगी। जितना मुझे चाहिए मैं उस तरीके से रख के बाकी को मैं ठीक कर लूंगी। बस उसी तरीके से आप लोगों को भी करना है, प्रॉपर आ जाता है करने के बाद। इनर वी पे मैं लिक्विड आईलाइनर की हेल्प से एक वी लाइन ड्रॉ करते हुए उसे काजल में ज्वाइन कर दूंगी एंड अपर लैश लाइन पे बहुत ही पतला लाइनर ड्रॉ कर दूंगी। एंड फिर मैं यहाँ पे लिपस्टिक अप्लाई कर लूंगी। मैंने दो लिपस्टिक को मिला के लिपस्टिक अप्लाई किया है। एंड लास्टली बस मैं यहाँ पे अपने लैसेस को कर्ल करूँगी एंड उसके बाद मस्कारा लगा के अपने पूरे फेस को फिक्सर की हेल्प से सेट कर दूँगी। बस मेकअप यहीं पे कंप्लीट है। सो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये लुक, प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेकअप कैसा लगा। एंड मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। इट्स रियली मीन्स अ लॉट टू मी क्योंकि मैंने बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।